नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे शो में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मतलूब अंसारी है। अब बताओ शुरू से क्या परेशानी है? परेशानी ये है जी, यहाँ पे जो है रास्ता निकल नहीं पा रहा इन लोगों का। मतलब हम लोग अलवी नगर के रहने वाले हैं, इधर जो है ये पुष्प विहार पड़ता है। तो अलवी नगर से पुष्प विहार तक आता है ये रास्ता? जी जी, ये मेन रास्ता है। मेन रास्ता है जी। जैसे कि मतलब एक मंदिर है यहाँ पे, एक मस्जिद है, तो इन लोग दोनों भी है। हाँ जी, काफी चीज यहाँ पर लोगों के घर भी हैं। हाँ, लोगों के घर भी हैं। ये फर्स्ट टाइम पहले दिया गया था रास्ता, तो इन लोग सोचने लगे रास्ता तो है ही हमारा, इन्होंने क्योंकि हद से हटके ही बाउंड्री की थी। लेकिन बीच में करते करते ये आगे ले जाने के बाद फिर बंद कर दिए, फिर एकदम से ये बाउंड्री हो गई है। फिर इन लोगों ने सोचा, लोगों ने खड़े हुए जब सारे के सारे, जब इन्होंने बंद कर। हाँ जी हाँ जी, अब ये रास्ता बंद, ये पूरा रास्ता बंद कर रहे थे। उस इसी वजह से समस्या ये है कि ना तो अलवी नगर से पुष्पविहार में आ सकते हैं, ना पुष्पविहार से अलवी नगर जा सकते हैं। कुछ लोग बेचारे यहाँ से आते हैं, गरीब लोग हैं, बाजार बढ़ता है अलवी नगर के अंदर, पुष्पविहार में नहीं है। तो सामान लेने, सब्जी लेने, राशन लेने, तो वहाँ से निकल कर आते हैं। कितना डिफरेंस है यहाँ तक पुष्पविहार से अलवी नगर तक का? लगभग ये समझ लीजिए आधे किलोमीटर का फासला होगा, ज्यादा नहीं है। आधे किलोमीटर घूम के जाएंगे, घूम के जाएंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। ये दिक्कत आ रही है वहाँ से यहाँ तक, मतलब गरीब लोग परेशान। जी जी, इतना घूम के जाएंगे। अच्छा, इधर डॉक्टर लोग भी नहीं है पुष्पविहार में, क्योंकि कॉलोनी छोटी है। पुष्पविहार में डॉक्टर लोग नहीं है, अलवी नगर के अंदर डॉक्टर। कोई बीमारी या कोई बेचारा मरीज हो जाता है, परेशान हो। हमारी बिस्मिल्लाह मस्जिद है यहाँ से, और ऐसा यहाँ जब कुछ लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए भी थे, तो ये लोगों ने थोड़ी ये धमकी दी कि तुम्हें लेडीज को जो लेडीज पुलिस लेकर जाएगी, और जेंट्स को जेंट्स पुलिस लेकर जाएगी। पुलिस तरीके धमकी दी, तो हमारे मतलब लेडीज आप लोग समझते हो डर गए कि ऐसा होगा हमारे साथ में। बट ये जो रास्ता है ये गलत है, इन लोगों ने आज रेलवे बंद कर दिया है। ये हमारा रास्ता यहाँ से निकलना था, मगर इन लोगों ने गलत कर दिया है हमें। ये क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अरशद रजा। कौन सी कॉलोनी है ये? ये पुष्पविहार है सर। पुष्पविहार है, क्या समस्या है आप लोगों को? परेशानी यही है, रास्ता जो है काफी, आज नहीं करीब 25वें साल से हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं। कोई मैयत हो या डेड बॉडी लेके जाना हो, कब्रिस्तान यही है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो या समाज के काम हो, यहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पूजा के लिए भी सामान आना है, या हम लोगों को जाना, इसी रास्ते से निकल कर गुजरते बढ़ते हैं। अगर ये रास्ता बंद कर देंगे तो हमें करीबन 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। आज ये रास्ता करीबन 25-30 साल से है, कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात, ये पुष्पविहार से अलवी नगर को जोड़ने वाला रास्ता है। पुष्पविहार से जी, आप बता रहे हैं यहाँ पे जो है कर्बला ताजी निकालने का, और कब्रिस्तान में जो मैयत ले जाने का भी यहीं से आप अब इसे ये जो है सीवेज पंपिंग प्लांट वाले जो है ये बंद कर रहे हैं। जी, जबरन बंद कर रहे हैं। हालांकि रास्ता छोड़ने के बावजूद फिर इन्होंने दीवार इधर से कर दिया है। जी, रास्ता छोड़ा हुआ था, अब ये दीवार कर दी है। उसके बाद ये दीवार इधर कर दी, आप देख सकते हैं। आपने इस संबंध में कोई कंप्लेंट की है? हाँ, वहाँ पे तहसील में भी बातें की हमने। हाँ, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, काम हो जाएगा। एसडीएम साहब से भी मुलाकातें हुई थी हमारी, उन्होंने भी लेटर पैड दिया। यहाँ से सब लोग गए भी थे, विधायक साहब से भी गए थे, बात हुई थी, मगर उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं है इस पे सर। अभी भी एक्शन न होने की वजह से जो है हमें आपसे संपर्क करना पड़ा, और भी दीगर जो भी कार्यवाही होगा करेंगे, क्योंकि ये समाज का काम है, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी, हम सदियों से रहते आ रहे हैं यहाँ, सारे लोग हम लोग सब एक हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। कितने दिन हुए इस दीवार को बने? ये करीबन 1-1.5 महीना हो रहा होगा। 1.5 महीना, 1.5 महीना से ऐसी परेशानी आ रही है। और हम लोगों ने इस रास्ते के लिए, जब पानी प्लांट वालों ने और दीगर लोगों ने कहा कि रास्ता बंद हो जाएगा, तो हम लोगों ने एसडीएम साहब से मुलाकात की यहाँ के लोगों के साथ। वहाँ से फाइल जो कुछ उन्होंने रिसीव कर साइन करके दे दिया है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि रास्ता मिल जाएगा। ईओ साहिबा से मिलिए, और जो पंकज कुमार है वहाँ के जो अधिकारी जो बाहर निकलकर रास्ता वगैरह दिलवाते हैं, उन्होंने मुलाकात करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। फिर नंद किशोर गुजर साहब जो हमारे विधायक हैं, उनसे भी हम लोगों ने कम से कम 10-15 लोगों से जाकर मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है, रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी, आज तहसील दिवस है, आज 19 तारीख तहसील दिवस है, आज भी की वजह से उनसे हम लोगों ने भी आज तहसील में जाकर एसडीएम साहब से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, रास्ता मिल जाएगा। और जो कुछ फाइल, यानी कि एसडीएम साहब का साइन, वहाँ जो ईओ साहिबा ने साइन किया, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का कहना है कि आप वहाँ से सब कुछ करा के लाइए, अधिकारी से लिखा कर लाइए, तो रास्ता मिलेगा, वरना ये रास्ता कोई यहाँ भेजते हैं, कोई वहाँ भेजते हैं, हमारे रास्ता मिल जाए। हाँ, हमें रास्ता मिल जाए, और सारी कार्रवाई जो हम मतलब छोटी मोटी जो कार्रवाई हम कर चुके हैं, तो हमारे डीएम साहब ने भी कहा कि ये हो जाएगा, हो भी जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं।
एक एक करके रास्ता नहीं दे रहे हैं। चलो अब इनसे बात। ये रास्ता कितने साल से है यहाँ पे? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल ऐसी रास्ता देखते हैं और अब ये बनी है दीवार। अब बन रही है। नहीं तो कहाँ जाएंगे? किधर से लेके जाना है? कभी बता किधर से लेके जाने हैं? हमें जाना परमार हमें रास्ता चाहिए सब नम। और अब ये इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, सारा रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया। सारी लेडीज को और मोहल्ले में सबको परेशानी है। कितने साल से रास्ता है ये? 21 साल से है जी। मेरे को 21 साल हो गए यहाँ पे। 25 साल। हाँ, जब यहाँ एक ही मकान नहीं था जबकि मैं हूँ। अच्छा, यहाँ से अलवी नगर जाने का ये सीधा ऐसा रास्ता था? रास्ता था ये। हाँ। और ये अभी इन्होंने सीवेज पंपिंग प्लांट वालों ने बंद कर दिया। तो आप लोगों ने उन्हें मना नहीं किया? देखो जी, मैं करता हूँ गार्ड की नौकरी, मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं। आज पता नहीं मेरी कैसे मैं यहाँ रुक गया हूँ। तो ये सब लोगों ने मना किया लेकिन उन्होंने माने नहीं। नहीं माने उन्होंने। ये पहले भी रास्ता बंद हुआ था जब भी मैं था मौजूद। जेल भेजने की धमकी देते हैं बहन जी? अगर वो हमें धमकी देता तो हमने चूड़ी भी नहीं पहन रखी है। हम बचने वाले आदमी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। कैमरा मैन लफी अहमद के साथ मैं हुसना हाशमी, देखते रहिए क्राइम टुडे। टुडे न्यूज की कुछ खास खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।